PCOS, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है? हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोठीकर हूँ। मैं एक IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और आज मैं आपसे इसी विषय के बारे में बात करने वाली हूँ कि PCOS क्या होता है। तो इसके लिए PCOS समझने के पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। नॉर्मली आपकी बॉडी में दो ओवरीज होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं। आपके पीरियड्स आने के बाद आपका एक हार्मोन FSH जो बढ़ना चालू हो जाता है, और उसकी वजह से आपका एक फॉलिकल भी बढ़ना चालू हो जाता है। उसका ग्रोथ पीरियड के 14th डे तक कंप्लीट होता है, फिर वो फॉलिकल रप्चर होता है, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली PCOS पेशेंट्स में ये ओवुलेशन नहीं हो पाता। उनकी ओवरीज में फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। उनका जो बेस हार्मोन्स है वो बैलेंस में नहीं होते हैं। FSH जैसे बढ़ना चाहिए पीरियड आने के बाद, वो नहीं बढ़ता है। और LH नाम का हार्मोन जो शुरू में नहीं बढ़ना चाहिए, वो हाई लेवल पे रहता है। और इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से उनका एक फॉलिकल जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता, और ओवुलेशन नहीं हो पाता। तो नेचुरली ओवुलेशन नहीं होगा तो उनको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आएंगे, और प्रेग्नेंट रहने में भी दिक्कतें आ सकती है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखी जाती है PCOS पेशेंट्स में, जैसे कि उनके बॉडी में मेल हार्मोन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है। उनका बहुत सारे पेशेंट्स ओबेस होते हैं, एब्डोमिनल गर्थ, कमर का घेर जो होता है वो ज़्यादा होता है, शुगर्स बढ़ जाते हैं, प्री डायबिटिक रेंज में होते हैं, कभी कभी फुल ब्लोन डायबिटीज भी होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी हो जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में। तो ये सब क्यों होता है? तो इसका बेसिक रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वो क्यों होता है उसका बेसिक रीजन अभी तक कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाया है। लेकिन इसके क्योर के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए हम आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।